उम्र में कोई भी किसी भी तरह की चूक अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर कदम फूक फूक कर रखे जा रहे हैं, उम्मीदवार सेट किए जा रहे हैं, बिना भेदभाव के दूसरे दलों से आए नेताओं को भी तवज्जो दी जा रही है। बीजेपी ने पंजाब से 2 सांसदों को अपने पाले में कर लिया। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा भी अब बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने के बाद नवनीत राणा ने कहा कि उनके विचार तो बीजेपी के ही विचार थे, बस अब आधिकारिक तौर पर पार्टी में शामिल हुई। बनौनी जी, आपकी प्रतिक्रिया, आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली? मुझे तो बहुत सारे चैनल पिछले 5 सालों से कभी भी दिखाते थे कि भाजपा की एमपी है करके, पर इस देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का, अमित शाह जी का, नड्डा साहब का, देवेंद्र फडणवीस जी का और हमारे बाबनपुड़े साहब का दिल से धन्यवाद करूंगी, क्योंकि वो हमारे मराठी में मने माती चीज आन ठेवणार आहे, जो मट्टी में काम करते हैं उसकी पहचान हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने पहचाना, और मुझे नई एक एमपी को सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करने को उन्होंने आज टिकट प्रवेश में जगह पार्टी में प्रवेश दिया और टिकट घोषणा की, तो मुझे लगता है दिल से मैं अभिनंदन धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे काम करने का, इतनी बड़े नेशनलाइज पार्टी में काम करने का मौका दिया। और मैंने पिछले 5 वर्षों से, और हमारे पार्टी के जो विधायक है रवि जी, वो 2014 से सरकार में थे तो भी वो देवेंद्र जी के साथ थे, ऑपोजिशन में थे तब भी हम देवेंद्र जी के साथ थे, और मैदान छोड़ के कभी नहीं भागे ना डरे। जो विचारधारा हमारे भारतीय जनता पार्टी की है, वही विचारधारा से पिछले में कई वर्षों से काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है बहुत दूर नहीं थी, परिवार के बीच में ही थी, सिर्फ आज ऑफिशियली एक प्रवेश हुआ है, पर मेरी लड़ाई जो तब भी थी आज है और आगे भी रहेगी। बीजेपी ने आपको अमरावती से उम्मीदवार घोषित किया है, आप ही के सहयोगी पार्टी के लोग जो है वो कुछ बगावत कर रहे हैं, तो किस तरीके की चुनौती मानते हैं आपको चुनाव में? मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैं बहुत नई उम्मीदवार, नई कार्यकर्ता करके मैं भाजपा में आई, तो सभी सीनियर नेताओं ने मुझे सपोर्ट करना चाहिए, मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ रखना चाहिए कि भविष्य में जो देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर जी का नारा है, इस बार 400 पार, वो नारे को हम साकार कर सकें और हमारी अमरावती को एक विकास की और ऊंचाई पे लेके जाने के लिए सभी घटक पक्षों को मैंने हाथ जोड़ के विनती की है कि सभी साथ आइए, देश के उन्नति के लिए, अमरावती के विकास के लिए हम सब एक होकर मोदी जी के हाथ मजबूत। देश में नवनीत राणा जानी जाती है कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपने हनुमान चालीसा कही जिसके लिए आपको जेल में भी जाना पड़ा, तो क्या मुझे लगता है संघर्ष का नाम ही दूसरा नारी है, और जब भी नारी मैदान में उतरती है तो वो संघर्ष को अपने साथ लेके उतरती है, और संघर्ष करने से नारी कभी पीछे नहीं आती। कल भी मैं संघर्ष करती थी, 14 दिवस जेल भी मुझे रोक नहीं पाया, और आने वाले समय जो प्रभु श्री राम का नहीं हुआ, जो हनुमान का नहीं हुआ, वो किसी काम का नहीं है, ये महाराष्ट्र की जनता ने अच्छे से देख लिया है, तो मुझे लगता है नारी के साथ संघर्ष बंधा है। आखिरी सवाल, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? मुझे लगता है जीत तो मेरे जनता ठहराएगी, जिनके लिए मैं पिछले 5 वर्षों से, 12-13 वर्षों से काम कर रही हूँ, और एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 वर्षों से डेडिकेटेड, और कई लोगों का प्रचार अभी शुरू होगा, मेरा प्रचार कभी थमा नहीं, मैं लोगों के बीच में लोगों की सेवा करते हुए, किसान हो, मजदूर हो, युवक हो, महिला हो, और बुजुर्गों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करती रही, और आने वाले समय में भी करूंगी, और मुझे पूरा विश्वास है उनके, अमरावती की बहू जिस तरीके से मैं उनके साथ रही हूँ, वो मेरे सर पे आशीर्वाद का हाथ जरूर रखेगी।